फ्रेंड, कैसे हो आप सभी दोस्तों। मेरा नाम मिस्टर राम है। बेसिकली मैं इंडिया राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों नोएडा दिल्ली के अंदर में मेरा इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, और दिल्ली NCR उसके अलावा भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर में काफी मेरे VRP VRF और HVAC के प्रोजेक्ट वगैरह है। अगर कोई भी टेक्नीशियन काम कर रहा है तो उसको ग्रो होना चाहिए। अगर कोई टेक्नीशियन नॉर्मली एक दो साल काम सीखता है तो वो टेक्नीशियन स्पीड एसी, विंडो एसी या छोटे स्तर के एसी का काम करता है, उससे थोड़ा 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है तो HVAC टेक्नीशियन का काम करता है, थ्री फेस वगैरह का काम करता है। आउट ऑफ इंडिया वगैरह जाता है, 2-3 साल एक बार काट के आता है, 1-2 साल हो जाता है उसको काम करने का एक्सपीरियंस। लगभग 5-7 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद में, एक बार गल्फ रिटर्न होने के बाद में या कोई भी विदेश कंट्री की रिटर्न होने के बाद में, उसको जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो एज ए फोरमैन सुपरवाइजर के लिए होना चाहिए। फोरमैन सुपरवाइजर के लिए 2-3 साल निकालने के साथ में 10 साल जब हो जाते हैं काम करते हुए, तो उसको आगे मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहिए। HVAC मेंटेनेंस मैनेजर हो गया, इस तरीके HVAC प्रोजेक्ट जो से प्रोजेक्ट के लिए साइट इंजीनियर, साइट प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह हुए। अलग अलग पोस्ट होती है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपका रहा है एज ए टेक्नीशियन के बाद टीम लीडर, फोरमैन, सुपरवाइजर, साइट मैनेजर, ये सारी चीजें होने के बाद में जब 15 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपको HVAC प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपने BTech कर रखा है या MTech कर रखा है, BE कर रखा है, आप ऐसे इंजीनियर काम कर रहे हैं, 5-7 साल हो गए आपको काम करते हुए, तो आपको साइड इंजीनियर, साइड HVAC प्रोजेक्ट इंजीनियर वगैरह इन सब के साथ में जैसे मैप और ऑटो ड्राफ्टिंग के अंदर में जितने भी जो इंजीनियर्स हैं, आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपका फ्यूचर ज्यादा कहाँ स्ट्रांग है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर ज्यादा स्ट्रांग है वो HVAC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। यानी कि आपको पता है कि अगर एक सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आगे की ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए, उसी के हिसाब से चूज करना चाहिए। अभी काफी सारे टेक्नीशियन होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे HVAC ट्रेनिंग करना है, ऐसी टेक्नीशियन के लिए एक्सपीरियंस लिख रहे हैं 10-10 साल और ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए लिख रहे एसी टेक्नीशियन, HVAC टेक्नीशियन। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर आप HVAC टेक्नीशियन अब इतने साल बाद में ज्वाइन कर रहे हो तो उसका मतलब तो टेक्नोलॉजी सीखोगे आप, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट भी सीखते हो साथ में HVAC सुपरवाइजर के साथ में, तो सुपरवाइजर की ट्रेनिंग के साथ में आपको टेक्नोलॉजी भी सीखने के लिए मिलेगी, मैनेजमेंट भी सीखने के लिए मिलेगा, तो दोनों चीजें आपके साथ में यहाँ पर मिलेगी। तो यानी कि मेरा मेन मकसद ये है कि कोई भी पोस्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं उससे अपग्रेडेशन चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू अपग्रेडेशन के हिसाब से ही आपको सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन करने चाहिए। अभी जैसे मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम है HVAC टेक्नीशियन, कोई भी काम करता हुआ टेक्नीशियन है जिसको 3 साल से ऊपर हो गया है वो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता है, न्यू फ्रेश इसको ज्वाइन नहीं कर सकता है। मैं किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को कोई भी न्यू फ्रेश ज्वाइन नहीं कर सकता है, ना मैं एडमिशन लेता हूँ। सेकंड, HVAC सुपरवाइजर के लिए है, तो अगर आपको 5 साल प्लस एक्सपीरियंस है तो आप HVAC सुपरवाइजर के लिए ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने BTech MTech कर रखा है और आपको कोई भी नॉलेज नहीं है HVAC फील्ड में काम करने का, तो भी आप जूनियर HVAC साइड इंजीनियर के लिए ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको काम करते हुए ज्यादा समय हो गया है इंडिया के अंदर में और आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं सीनियर इंजीनियर के हिसाब से, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप VRP VRF का काम सीखना चाहते हैं तो लगभग इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं आपको इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने की, वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और आपने अप्लाई कर रखा है तो मेरी तरफ से आपको कोई जवाब नहीं आएगा। आपका जवाब तभी आएगा आपको जब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी मैं आपको VRP VRF की ट्रेनिंग के अंदर में एंट्री दूंगा। 5 साल से नीचे का एक्सपीरियंस है आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं VRP VRF का। HVAC सुपरवाइजर के लिए अगर आपको 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस नहीं है आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। HVAC टेक्नीशियन के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और HVAC
प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए लगभग लगभग 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए, इंग्लिश फ्लुएंट चाहिए। इंग्लिश फ्लुएंट किस किस में चाहिए? एचवीएसी टेक्नीशियन में भी चाहिए, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड सभी जॉब पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डिफरेंट टेक्नीशियंस होते हैं, तो आपको बहुत ऑफ लैंग्वेज आपको आना चाहिए, समझना और समझाना आना चाहिए, ये चीजें। उसके अलावा एचवीएसी सुपरवाइजर के लिए भी आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, थोड़ा आता है चलेगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। एचवीएसी सुपरवाइजर की पोस्ट छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। उसके अलावा वीआरवी वीआरएफ के लिए भी आपको इंग्लिश मस्ट आना चाहिए, क्योंकि वीआरवी के या वीआरएफ के जितने भी प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट सबसे इंग्लिश बोलना जरूरी है, तो इंग्लिश आपको आना चाहिए। नहीं आना है तो आप सीख सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बोल चाल में से ही सीख सकते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा सब। उसके अलावा एचवीएसी इंजीनियर के लिए इंग्लिश आपको आना चाहिए। अब क्या है ना, अब मैंने एक चीज नोट किया है, इंडिया के अंदर में बीटेक एमटेक करने वालों को इंग्लिश नहीं आता है बोलना, उनको टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनको ऑलमोस्ट एचवीएसी के टेक्नोलॉजी की जानकारी तो है, बेसिक्स, लेकिन पूरी टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है। उसके अलावा जितने भी जो सुपरवाइजर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो लोग सुपरवाइजर की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे अप्लाई किया है या फिर जो अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, तो आप इस डर को बिल्कुल निकाल दीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा कि आप पहले से कितना जानते हैं और आपको क्या सिखाना है, मैं वहां से शुरुआत करूंगा, चाहे वो कोई सा ही आपका स्टेज हो भी। उसके साथ के अंदर में मैं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस आपका जो एचवीएसी सुपरवाइजर का जो जॉब है उसके हिसाब से आपकी क्या जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या आपके की एरियाज है, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाएंगे और किस तरीके से आप सक्सेसफुली काम कर पाएंगे। इसी तरीके से एचवीएसी इंजीनियर का भी, आप कुछ नहीं जानते हैं, कम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको आपके एक्सपीरियंस के लेवल के हिसाब से स्टार्ट कराएंगे। सप्ताह के अंदर में 2-3-4 दिन लिख लाला से होगी, ऑनलाइन क्लासेस जूम एप्लीकेशन से, उसके अलावा आपको वीडियोस भी मिलेंगे। आप पर्सनली मुझे कॉल करके कभी भी, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आंसर रहता है, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे हमारे लिव सेशंस में सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर होंगे। अब इसके अंदर में क्या है कि जितने भी जो हमारे कैटेगरी है ट्रेनिंग के लिए, जैसे वीआरपी वीआरएफ एचवीएसी टेक्नीशियन सुपरवाइजर इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, इन सब की जो क्लास है वो सारी क्लास है लिमिटेड सीट पे है। ऐसा नहीं कि जितने एडमिशन आ रहे उतने में ले लिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं गिनती के एडमिशन लेता हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो प्रोफेशन के अंदर में सीखे और अच्छे से सीखे। टोटल हर बैच में मेरे पास सिर्फ 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट एचवीएसी टेक्नीशियन सुपरवाइजर इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके अलावा मैं, वो भी एडमिशन कब होंगे, जब आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वीआरपी ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आप एचवीएसी टेक्नीशियन की ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आपको अगर 5 साल प्लस एक्सपीरियंस नहीं है, आप एचवीएसी सुपरवाइजर ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसे ही सारी कैटेगरी वाइज मैंने एक्सपीरियंस के साथ, आपके बीच में ऐसा नहीं है कि गड़े गोदे, क्या बोलते हैं उसको, एक घोड़े और गधे बराबर वाली बात, ऐसा नहीं है। आपको आपके लेवल का आदमी सामने मिलेगा, आपके ग्रुप के अंदर में, आपके बैच के अंदर में, आपके मतलब क्या तरफ बैच होना, बैच के अंदर में सेम कैटेगरी होना का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है इसके अंदर। अब इसमें क्या है, जैसे मेरा जो वीआरपीआरएफ पे जो फोकस है वो इसलिए कि ऑलमोस्ट जितने भी जो हमारे इंडिया के अंदर में टेक्नीशियन लोग अभी सिंगल पेस थ्री पेस पे काम कर रहे हैं, अब उनके सामने जब वीआरपी सिस्टम का काम आ रहा है तो उसमें थोड़ा उनको जानकारी चाहिए, और इनमें फ्यूचर बहुत ज्यादा है आने वाले टाइम के अंदर में। अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फ्यूचर है वीआरपीआरएफ के अंदर में, सैलरी भी इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यानी कि सीखना है, और सीखने के लिए देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने 6,000 रुपये फीस रख रखा है वीआरपीआरएफ का, 10,000 है, लेकिन अभी इस 20 अगस्त को जो बैच, मतलब यानी कि लास्ट डेट है 20, तो अभी 16 से अपना स्टार्ट हो गया है जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, 20 तारीख लास्ट है, जो पहले फीस देगा उसका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर में क्या है कि जो इंडिया के अंदर में काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं उनको जो अप्लाई क्या करना है, और प्लस जो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर हैं या उनके अपने खुद के बिजनेस वगैरह हैं
उनको कैसे टेंडर लेना है, क्या रेट में लेना है, कैसे कोटेशन तैयार करना है, कैसे वेंडर अप्लाई करना है, कैसे टेंडर अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ टेंडर निकले हुए हैं वी आर वगैरह के, तो ये सारी जानकारी भी आपको मेरे से मिल जाएगी। आपको कौन से स्पेयर पार्ट चाहिए, कौन सी मशीनें चाहिए, कौन सा वी आर की मशीन वगैरह चाहिए, ये सारी चीज आपको मेरे से मिल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, 1 ईयर फ्री मिलेगा आपको, कोई एडिशनल फीस नहीं मिलेगा, साथ में 1 साल का आपको डिप्लोमा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, 100% आपको गवर्नमेंट अटेस्टेड मिलेगा, जहां आप इंडिया के लिए, गल्फ के लिए, कहीं से भी जहां पे भी आपका प्रमोशन होने में दिक्कत आ रही है या फिर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है, तो ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के साथ में आपको मेरे से मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ ना, ये आपको कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नहीं देने वाली है, ये मिलता भी नहीं है, ये जो मिलेगा आपको प्रोफेशनल कोच सर्टिफाइड ही करेगा ना, तभी वो चीज आपको मिलेगी, साथ में अटेस्टेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आपको ये बात मानना है, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये नहीं होता है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। वहां पे आपको आईटीआई पॉलिटेक्निक बिटोक जो आरएससी के हिसाब से आपको सिखा देंगे, लेकिन जो चीजें मैं आपको वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी रिक्वायर्ड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके हिसाब से जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो चीजें ही आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी और प्लस सर्टिफाइड मिलेगी। ट्रेनिंग टाइम है वो आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा टाइम आप दिन में चाहिए, सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, जो भी कंफर्टेबल आपका टाइम रहता है वो आपको बताना पड़ेगा, इस टाइम पे मेरा कंफर्टेबल टाइम है, ये टाइम मुझे ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा नहीं है, वीक में 3 डे क्लास होगी और 4 डे क्लास होगी। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं और सिर्फ कभी कभार लिव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासे, उसके अलावा आप काम कर रहे हैं अपना या बिजी है, आपको टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको हैंड ऑनलिंग मिल जाए, मेरी तरफ से आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, सीखेंगे भी सही, आप में छह वीडियोस भी आपको मिलेंगी डेली, ई बुक्स नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, और साथ में आप क्या है, जैसे कभी भी अगर मेरी हेल्प जरूरत पड़ती है आपको आपके प्रोजेक्ट में या बिजनेस में, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, इसके अंदर मैं कंसल्टेशन कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग वगैरह किसी भी तरीके से। और वैसे भी मेरे स्टूडेंट जो नहीं है वो भी मुझे फोन करते हैं, जो भी लोग मेरे टच में है या कहीं से भी उनको नंबर मिलता है, कभी भी अगर वो अटक जाते हैं किसी भी ट्रबल शूटिंग वीआरएफ में, तो डेफिनेटली मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं और मैं 100% उनका फॉलोअप भी लेता हूँ, अगर कोई मशीन जब तक वो ठीक नहीं होता है उनसे पूछते रहते हैं या मैं भी उनसे पूछ लेता हूँ। ऐसे मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा स्टूडेंट होता है तो ही मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर रहते हैं, कभी भी आपको दिक्कत आती है आप मुझे कभी भी फोन करिए, पॉसिबल हुआ तो मैं आपका कॉल अटेंड करूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। अच्छा, तो ये ड्यूरेशन जो अपने सभी कोर्स की है वो 2 महीने की कोर्स है, 2 महीने के बाद में 3 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप कब तक चीजों को कवर कर पाते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और फीस दोबारा नहीं लगने वाला, एक ही बार फिक्स लगेगा आपका पैसा, उसके अलावा दोबारा नहीं लगेगा। वीआरवीआरएफ की ट्रेनिंग की जो फीस है वो 6,000 है, उसके अलावा एचवीएसी टेक्नीशियन, एचवीएसी सुपरवाइजर, एचवीएसी इंजीनियर, एचवीएसी प्रोजेक्ट मैनेजर सबकी 10,000 है। और आपको पता है ये कोई ज्यादा फीस नहीं है, आज आप आईटीआई करते हैं 80-90 हजार रुपए, लाख रुपए लग जाते हैं, आप बीटेक करते हैं 4 साल की डिग्री लेते हैं आपको 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं, उसके बाद में भी वो चीजें नहीं सीख पाते हैं जो आपके लिए जॉब के लिए जरूरी है या जिससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। आप कितना ही भी आज आप मतलब सीख रहे हैं पैसा लगा के कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर में या पॉलिटेक्निक में, वो पैसा लगाया उसका 0.5% पैसा भी आपका यहाँ नहीं लग रहा है। इतना आज के समय के अंदर में अगर अपन बात करें तो 10,000 रुपए के अंदर में एक चाय की दुकान भी नहीं खुलती है, सब्जी का ठेला भी नहीं खुलता है। आज 10,000 रुपए में लाइफ चेंजिंग एजुकेशन आपको मिल रही है जो आप ही के फील्ड से बिलोंग करती है, साथ में आपको एक इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है मेरी तरफ से, और फ्यूचर आप चाहे इंडिया में चाहे, चाहे गल्फ कंट्रीज में चाहे, चाहे किसी भी कंट्री में चाहे, चाहे यूरोपियन कंट्री में, जॉब का ख्वाब हो आपका सर हमारे को गल्फ में बहुत काम कर लिया, यूरोप जाना है, तो भी मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और 2022 के अंदर में तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आने वाली है, मैं भी 3-4 कंट्री में अपने प्रोजेक्ट यूरोप में स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे भी टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर सब तरीके की जरूरत है। तो आप लोग अगर अभी मेरे टच में रहेंगे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर के अंदर में आपका भी फ्यूचर गोल्डन है और डेफिनेटली साथ में मिलकर अपन इसमें ग्रो करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 20 अगस्त
तक में आप अपना फीस वगैरह सबमिट करा के सारे लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, कौन सा ट्रेनिंग आपको ज्वाइन करना है उस पर क्लिक करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, उसका कंफर्मेशन भेजिए, अपना टाइम भेजिए, कंट्री वगैरह का नाम, कौन सा सुटेबल टाइम है वो, आपका ईमेल आईडी वगैरह, वो तो वैसे भी सब आ जाएगा मेरे पास में जब आप फीस पे करेंगे ऑनलाइन, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपका जूम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना, ट्रेनिंग के लिंक वगैरह में आपको जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसके हिसाब से मैं आपको इसके अंदर में लिंक वगैरह आपको व्हाट्सएप वगैरह में करता रहूंगा। तो ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो गई है, और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैथ से रिलेटेड बात करना है, कुछ समझना है, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर पहले अपना नाम, नंबर, कॉन्टेक्ट, एक्सपीरियंस ये लिख के भेजना है, और साथ के अंदर में फिर मेरे से बात कर सकते हैं आप, क्योंकि डायरेक्टली हम बोलेंगे, आप बोलेंगे कुछ नई चीजें समझ में आएगी, पहले अपनी प्रोफाइल शेयर करना है तो फिर समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, इसको आपको अटेंड करना है। और अच्छा चलो ठीक है, मेरे को कुछ रिक्वेस्ट भी आई थी तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हमको 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा है वीआरवी यूरोप में, इसलिए सीखना चाहते हैं, तो मैं एक चांस दे देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको 5 साल से कम साल का एक्सपीरियंस है, वो अभी अगर ज्वाइन करते हैं 20 तारीख वाला बैच, तो मैं उनको एडमिशन देने के लिए तैयार हूँ, वो एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो एचवीएसी सुपरवाइजर इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है उनकी क्वालिफिकेशन तो उसके हिसाब से ही होगी, उसमें कोई वो नहीं है। सबसे बेस्ट बात ये है कि अगर हम ये सारी ट्रेनिंग वगैरह ये क्यों करना चाहते हैं, आपको इस पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, आपने इस फील्ड में आने का मकसद क्या था आपका, अब ये सारी चीजें क्यों करना चाहते हो, क्यों आप एचवीएसी सुपरवाइजर बनना चाहते हो, क्यों प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर इन सबके लिए भागदौड़ कर रहे हो, क्यों एचवीएसी टेक्नीशियन पे आप सालों से काम कर रहे हो, इतने सालों से आप विदेश में जॉब कर रहे हो या करते ही जा रहे हो, ऐसे इंडिया में भी कर रहे हो तो एक दो बंदे लेके काम करते जा रहे हो, आखिर ये सब चीजें क्यों कब तक चलता रहेगा, ऐसा क्या है जो आप करना चाहते हो, तो इसका सबसे एक आसान उत्तर ये है कि आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, जो ख्वाब आपने देखे अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने समाज, अपने परिवार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, आप उसके लेवल पे जाना चाहते हो, उसे पूरा करना चाहते हो, उसके लिए आप सब चीजें करना चाहते हो। देखो दोस्तों, जब तक आपको कोई भी है ना मतलब गाइड करने वाला नहीं मिलेगा ना कैरियर में, तो डेफिनेटली वी विल बी मूव हैंड देयर, हम इधर उधर घूमते रहेंगे। अगर हमको सक्सेस होना है तो डेफिनेटली वी हैव टू चूज द राइट वे, राइट करेक्ट डायरेक्शंस, हमको वो सब चीजें चूज करना है। आप डेफिनेटली वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, वो सारी पोस्ट आप, मैं कह रहा हूँ हर चीज आप पा सकते हैं, मेस्प्रेडेसी विंडो एसी त्रिपेस वगैरह, इतना पैसा नहीं कमा सकते, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करोगे एज ए कॉन्ट्रेक्टर, एज ए बिजनेस, तो बहुत पैसा मिलेगा, बहुत होटल्स है इंडिया में, बहुत हॉस्पिटल्स है, बहुत है रिसोर्ट, काम की कोई कमी नहीं है। काम कैसे मिलेगा वो जानकारी आपको होना चाहिए, कोटेशन कैसे देना है वो जानकारी आपको होना चाहिए, बस तीर ऐसा चलाओ कि निशाना सीधा लगे, कोटेशन ऐसा बनाओ कि सीधा काम आप ही को मिले, किसी और को मिले ही नहीं, सारी हेल्प मेरी तरफ से मिलेगा, करियर गाइडेंस भी आपको मेरी तरफ से पूरा मिलेगा, बिजनेस डेवलपमेंट से लेके किसी भी प्रमोशन से लेके टेक्निकल हेल्प से लेके सभी तरीके से आपको मिलेगा मेरा सपोर्ट इसके अंदर में। 20 तारीख आपको याद रखना है, 20 अगस्त आपको याद रखना है, 20 अगस्त तक आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो, फीस पेड सी जो डिटेल्स है वो, और साथ के अंदर में अपना ईमेल आईडी, अपना टाइम, अपना कंट्री, अपना टोटल एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मुझे व्हाट्सएप पे करना है जो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है 7427017797, ये डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, इसी नंबर पे आपको करना है। दूसरा ये है कि आप जब ये ट्रेनिंग वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं तो इस ज्वाइन करने के बाद में आपको ये जो टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इनके सेव वीडियोस लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगा, इसके लिए लॉगिन पासवर्ड आपको मेरे सॉफ्टवेयर से मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको से आपको इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो वॉच करने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से अपनी चीजों को कंप्लीट करेंगे और जल्दी से वापस इन्फॉर्म करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।